हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक चुना है कोरोना पेशेंट्स के होम आइसोलेशन का या होम क्वारंटाइन का। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी लोगों को कैसे बचाएं, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से पहलू या बातें हैं जिनका हमें होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन के मरीजों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है, सो दैट हम बीमारी को दूसरे परिवार के सदस्यों तक फैलने से रोक सकें। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे सीधे सीधे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे ही हमें पता लगे कि हमारे परिवार में कोई कोरोना मरीज पॉजिटिव है, तो उसके लिए एक अलग कमरा, वेंटिलेटेड कमरा जिसमें साफ हवा आती रहती हो, वो हम रखें। इस बात का ध्यान रखें कि उस कमरे में एक अलग वॉशरूम या बाथरूम हो। दूसरी चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है, हमारे घर में जो बहुत ही मैं कहूँगा वो प्रोन लोग हैं जिनको बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, एक तो एल्डरली पेशेंट जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, या ऐसा कोई पेशेंट जो कुछ दवाइयाँ लेता हो, या हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, या बहुत क्रोनिक डिजीज का कोई पेशेंट है, उसको हमें बिल्कुल ही कांटेक्ट में आने से बचाना होगा। तीसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उनको तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट करें कि उस रूम के पास भी ना जाए। उसके अलावा हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट की मूवमेंट, कि वो पेशेंट अपने कमरे से बाहर ना जाए, उस दरवाजे से बाहर ना निकले। उसको जो भी चीज़ें हैं वो उसके कमरे में दे दी जाए, जो उसके खाने का सामान है, पीने का सामान है, हम बाहर से ही उसके कमरे तक पहुंचाते रहें। तो ये एक जो बहुत ज़रूरी बात है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में, सोशल गैदरिंग या रिलीजियस गैदरिंग में ना जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा कारण होता है कि एक पेशेंट या एक इन्फेक्टेड पेशेंट अगर जितने लोगों से मिलेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो सबके सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जैसे कि आपने न्यूज़ और समाचार में सुना होगा और देखा भी होगा। एक चीज़ और भी है कि हम बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप घर में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सैनिटाइजर यूज़ करना है। तो बेस्ट तरीका है हाथ धुलने का, वो आपका घर का साबुन है। आप अपने साबुन और पानी से हाथ धुलें, और अगर आपको साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तभी आप सैनिटाइजर का यूज़ करें, क्योंकि वो भी एक केमिकल है, तो हमें केमिकल्स के कॉन्टैक्ट से भी बचना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हैं, ख़ासतौर से बर्तन है, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड आइटम्स, डिशेज, उन सबको हमें अवॉइड करना है। तो हमें कुछ दो हफ्ते के पीरियड के लिए मरीज के खाने पीने के बर्तन अलग करने पड़ेंगे। मानते हैं कि भी एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन हमें बीमारी को रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा। हम घर में जब होते हैं तो हम मास्क पहनना अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको हमने आइसोलेट किया है, जिसको हमने होम क्वारंटाइन में रखा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मरीज को तो पहनना ही पहनना है, वो भी घर में रहते हुए मास्क पूरे समय लगा के रखें, और बाकी जो घर में मेंबर्स हैं वो भी मास्क पहन के रखें, तो एक और हमें शील्ड मिल जाती है बीमारी से बचने के लिए। जब भी हम मास्क पहनते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि एक मास्क का जो यूज़ है वो 6 से 8 घंटे किया जाए, 6 से 8 घंटे के बाद हमें मास्क को बदल देना चाहिए। जब भी हम मास्क उतारें, इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि उसको हम ठीक से डिस्पोज ऑफ करें, तो जो डस्टबिन हो उस पर हमारा कैप लगा हो, और हम डिस्पोज ऑफ करने के बाद उस कैप को बंद कर दें। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, हम खुले में मास्क को ना छोड़ें। जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप घर में हैं तो आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है अपने आप को। तो मॉनिटर आपको दो चीज़ों को करना है, एक आपके सिम्टम्स होंगे और दूसरे साइंस हो सकते हैं जो लिमिटेड है। तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम, फॉर एग्जांपल कि अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगे, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगे, या पेशेंट को एंजाइटी और बेचैनी होने लगे, या कफ या बलगम बहुत ज़्यादा आने लगे, पेशेंट को वोमिटिंग होने लगे, तो ये वो सिम्टम्स हैं जहाँ पर हमें फ़ौरन डॉक्टर से सलाह करनी है, डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि क्या हम मरीज़ को अभी इन सिम्टम्स के साथ घर में रखें, या अभी हमें अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने घर में मरीज के साथ
एक ऑक्सीमीटर जरूर रखिए, पल्स ऑक्सीमीटर जिसको कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें दो चीज़ों का पता लगता है, एक तो मरीज के दिल की धड़कन यानी कि पल्स का पता लगता है, और दूसरा जो है हमें मरीज में ऑक्सीजन के लेवल का पता लगता है। क्योंकि जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से मरीज के खून में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। तो एक इंडिकेटर है SpO2 को मॉनिटर करना, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना। इस बात का ध्यान रखें कि अगर 95 एंड अबव 100 तक SpO2 लेवल आता है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 95 से नीचे और 90 के बीच में SpO2 आने लगता है तो अब आपको अलर्ट पे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर SpO2 लेवल 90 से नीचे एक बार भी आपको नोटिस होता है तो ये फिर एक इमरजेंसी है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करके अस्पताल में एडमिशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक और मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, खान पान। क्योंकि हम जब घर में होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीजों के खान पान का भी ध्यान रखें, हम हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हम सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। हम ग्रीन टी की आदत डाल सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी भी कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आयुर्वेदिक काढ़ा का भी एक बड़ा रोल देखा गया है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो हम आयुर्वेदिक काढ़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। क्योंकि जितना अच्छी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होगी उतनी जल्दी हम बीमारी से फाइट करेंगे, या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उनमें बीमारी कम फैलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें वो जानकारी मिली होंगी जो एक कोरोना मरीज को जानने के लिए ज़रूरी है, जिसको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।